नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टी टी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों बात करेंगे आपके सी दिसंबर 2022 जनवरी 2023 एग्जाम की गणित मैथमेटिक्स मैंट मैंट की क्लास नंबर आपका रहेगा एन सी आर टी बेस्ड क्लास रहेगी और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर थर्टीन है इसके पहले ट्वेल्व क्लासेज ऑलरेडी जो है एन सी पर कंप्लीट हो चुका है जिसका आई बटन पर यहाँ पर ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और आज जो का जो चैप्टर रहेगा महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रतिरूप सिलेबस अनुसार पूरा प्रश्न करने वाले हैं तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं रफ पेन कापी सभी लोग नोट कर लीजिएगा और सॉल्व भी करते जाना है तो विगत वर्षों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच की करना है यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता हो होगी चरण 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 अगर अगर जारी रहा पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, अगर यही चरण में कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होता है बहुत ही आसान हो जाता है कैसे आसान हो जाता है देखिए प्रथम चरण में तिलों की संख्या आपकी ऑलरेडी कितनी गई है दो चार छः तिलिया दी गई इसके बाद देखिए प्रत्येक चरण में तिलों की कितनी वृद्धि हो रही है तो एक दो तीन चार वृद्धि हो रही है लेडी है चार वृद्धि हो रही है ठीक है तो हो छह चार, -चार आठ वृद्धि हो गई तो आठ छः चौदह वृद्धि हो गई तो इस समांतर श्रेणी का यहाँ पे फार्मूला हमारा लग जाएगा समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या है यहाँ पे आपका ए बराबर सिक्स दे दिया गया है और डी बराबर चार दिया, दिया। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या होता है समांतर श्रेणी का टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ये हमारा फार्मूला होता है जहाँ पे टी एन की जगह टी फिफ्टीन हो जाएगा क्योंकि पंद्रहवा निकालना है ए की वैल्यू छः है धन कर देंगे एन माइनस वन यानी पंद्रह माइनस वन कर देंगे और डी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है चार है तुम्हारा तो वैल्यू कितना निकल के आ गया तो ये छ हो गया धन आपका कितना हो गया चौदह चौखो छप्पन छप्पन छः कितना होता है छप्पन छ कितना होता है बासठ होता है तो टी फिफ्टीन बराबर क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू सिक्सटी टू आ जाएगी जो कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है ठीक है तो आपने समझ लिया समांतर श्रेणी का प्रश्न अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करेगा अब देखिए कीमत ऊपर समय बिल्कुल सेम है या कीमत ऊपर समय सेम है कौन सा आरेख यहाँ पे सही होगा दाम बढ़ने पर शुरू हो रहा है देखिए समय और कीमत में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि हो रही है अतः ग्राफ में हमारा जो पहला ग्राफ दिया गया है यह हमारा स्थिति जो है संतुष्ट कर रहा है इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि दिनों दाम बढ़ना शुरू हो रहे हैं तो समय और दिन दाम पैसा समय और कीमत में एक साथ निश्चित अनुपात में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन है वह हमारा सही दे दीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करें चार धन तीन बराबर चार धन पाँच धन छः पाँच धन चार पाँच धन छत धन आठ छह धन चार तो एन धन आठ का मान क्या होगा अब सभी लोग बताइए एन धन आठ का मान क्या होगा देखिए चार है तो पाँच से हमें आगे चार संख्या लेना है यहाँ पे छः के आगे चार है तो छः के आगे चार लेना है इसी प्रकार एन धन आठ दे दिया गया दे दिया गया है तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी सभी लोग बताइए एन धन आठ बराबर हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी पहले फार्मूला लिख लें या वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं सभी लोग बताइए इसके लिए एक फार्मूला होता है वह फार्मूला डायरेक्टली हम लिख रहे हैं सभी लोग नोट कर लीजिए इसलिए फार्मूला क्या होता है बर, बराबर यहाँ पे एन धन आठ इसके बराबर कर लेंगे हमारा फार्मूला होता है एट एन धन वन प्लस टू धन धन कहाँ तक सेवन तक बराबर एट एन धन ट्वेंटी एट तो एट एन धन ट्वेंटी एट में दिया गया है फोर्थ ऑप्शन इसके फार्मूला क्या होता है एन प्लस एन प्लस वन कोष्टक के अंदर इसके फार्मूला एक लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं इस फार्मूले से इस प्रश्न को करना है एन प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू प्लस एन प्लस थ्री प्लस डैट डैश प्लस एन प्लस सेवन तक ये फार्मूला होता है और हमने एन के जगह आठ कर लेना है ठीक है और ये वैल्यू पुट कर देना है हमारे जो सोलूशन आएगा वह क्या आ जाएगा सभी लोग बताइए ए टेन धन अट्ठाइस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा पैटर्न से जरूर प्रश्न आएगा ये ध्यान देना है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है एक गुण एक बराबर एक ग्यारह गुण एक ग्यारह इक्कीस एक सौ इक्कीस ट्रिपल वन इलेवन इन टू ट्रिपल वन एक दो तीन दो एक डबल वन डबल वन दे वन डबल वन डबल वन इन टू क्या होगा बहुत ही आसान सा प्रश्न इस पैटर्न में समान संख्याओं के वर्ग अवधारणा चिन्हित होते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा एक दो तीन चार पाँच कितने एक हैं ध्यान दीजिए पाँच एक हैं तो पाँच तक कर देना है इसके बाद इसको उल्टा कर देना है पाँच के बाद चार तीन दो एक अच्छा फार्मूला की नहीं हो जितनी एक हो उतने करना है एक दो तीन चार जैसे ये हमारी वैल्यू किस ऑप्शन में दी गई है देखेंगे पहला ऑप्शन सही देखिए यहाँ पे डबल वन डबल वन है तो एक दो तक जाते हैं फिर एक माइनस कर दें यहाँ पर ट्रिपल वन है ना एक दो तीन तक गए इसके बाद दो एक कर देना है यहाँ पे चार है तो एक दो तीन चार तक जाएंगे पाँच हैं तो पाँच तक जाएंगे फिर आपका उससे माइनस कर देते हैं ये बहुत उसी संख्या को उसी संख्या गुणा का फार्मूला बहुत ही सिंपल है वो भी एक का बहुत ही आसान है अगला जो प्रश्न दिया गया कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा होता है वर्ग पहेली सर्वेक्षण आधारित परियोजना प्रश्नोत्तरी या भूमिका निर्वाह या रोल प्ले सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए सर्वेक्षण आधारित परियोजना में विद्यार्थी द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े होते हैं उनसे निकाले गए विभिन्न आंकड़ों का बिना विश्लेषण किए ज्ञात करना संभव नहीं है अतः उनकी समझ का आकलन करने का यह सर्वोच्चम रूपात्मक तरीका हमारा हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिरूप को देखना है पहला प्रतिरूप है नौ ऋण एक भागे आठ बराबर एक दूसरा है, है अंठानवे ऋण दो भागे आठ बराबर बारह तीसरा है नौ सौ सतासी माइनस तीन भागे आठ बराबर एक सौ तेईस और चौथा है अंठानवे छिहत्तर माइनस चार भागे आठ बराबर एक दो तीन चार इस प्रतिरूप को देखने के बाद आपको सॉल्व करना है ये अंठानवे छिहत्तर चौवन माइनस छः भाग्य आठ बराबर क्या होगा सभी लोग बताइए है ना अच्छा बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पैटर्न हमारा कार्य कर रहा है पैटर्न हमारा ऑलरेडी ये इस पैटर्न को ध्यान पूर्वक समझ लेना है ये जो पैटर्न हमारा दिया गया है इस पैटर्न के अंदर समझ लीजिए इस पैटर्न में नौ के आठ सात छः पाँच चार आदि रखने पर दाएं पच की ओर एक एक संख्या की वृद्धि हो जाती है ये देखिए यहाँ पे रखे गए ना तो यहाँ पर भी एक संख्या की लगातार वृद्धि होती जा रही है तो इसी प्रकार जितने की यहाँ पे देखिए अंठा आपके दिया गया अंठानवे छिहत्तर दे दिया गया तो अंठानवे छिहत्तर चौवन दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे हमारी अभी संख्या क्या निकल के आ गई एक दो तीन चार पाँच छः जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ चार संख्याएं या छः संख्याएँ तो एक दो तीन चार पाँच छः दो संख्या की वृद्धि हो जाएगी पाँच छः यहाँ पे ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच छः किस ऑप्शन में दिया गया है तो देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कक्षा पाँच आ के तेरह विद्यार्थी तथा कक्षा पाँच बा के पंद्रह विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं उनके द्वारा अर्जित अंक जो इस प्रकार है कक्षा बी में आ में दिया गया है कक्षा बी के बा में दिया गया है अब दिए गए आंकड़ों को आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे दोनों विभागों का प्रदर्शन समान हो रहा है क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान अठारह है कक्षा भी आ का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है क्योंकि भी आ का औसत प्राप्त अधिक है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकोल अंक बराबर है अब देखिए इस प्रश्न को कैसे समझेंगे अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारा कि कक्षा बी आ का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है क्योंकि भी आ का औसत प्राप्तांक सबसे अधिक है अब सेकंड ऑप्शन में भी का औसत आ वाला देखिए यहां पे कह रहा है चौदह छह पंद्रह बारह ग्यारह ग्यारह सात नौ तेरह सत्रह तीन दस आठ इसका अधिक कह रहा है इसका प्राप्तांक जो है अधिक कह रहा है में आया हुआ प्रश्न यदि आपको नोट कर लेना है अगला जो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ऋण एक धन दो ऋण तीन धन चार ऋण पांच धन छह ऋण सात धन बराबर एक हजार का मान क्या होगा सभी बताइए फटाफट -पट अंदाज में कमेंट करके बताइए देखिए इसके लिए फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या होता है नोट करते जाइए इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है इसको हम सॉल्व करेंगे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी बराबर दो माइनस एक धन चार माइनस तीन धन छः माइनस पाँच धन डेड डेड डैस एक हजार माइनस ट्रिपल नाइन इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन प्लस वन प्लस वन प्लस डेड डेड डैस प्लस वन इजकल टू फाइव हंड्रेड किस ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन में दिया गया है जो कि सही हो जाएगा तो अगर आपने किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके लिए आपके मैथमेटिक्स के प्रीवियस स्क्रेड में पूछे गए कल हम मैराथन क्लास करेंगे पूरा ए टू जेड प्रश्न करेंगे जो अभी तक सी टेट में आए हुए प्रश्न है तो कल की क्लास गोल्डन वीडियो होने वाली है बाकी इवनिंग में सेवन टू सेवन थर्टी हमारी लाइव क्लास होगी ई बी एस पर्यावरण की प्रैक्टिस पेपर की तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्ली क्लास पर अंगली लाइव क्लास में इवनिंग पे सेवन थर्टी सेवन टू सेवन थर्टी क्लास रहेगी जय हिंद वंदे मातरम धनबाद शविका